Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. Namaskar, main Anand Pandey swagat karta hu Karma Ayurveda ke YouTube channel mein. To dosto, aaj hum baat karenge chronic kidney disease mein protein urea ko kaise control kare ke bare mein. Lekin isse pehle aapko ye janna behad zaruri hai ki protein urea क्या होता है और प्रोटीन यूरिया होने के क्या कारण होते हैं और इसके लक्षण क्या हैं। हेल्दी किडनीज ब्लड में से एक्स्ट्रा फ्लूइड और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, साथ ही प्रोटीन्स और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में ही फ्लो करने देते हैं। लेकिन जब किसी इंसान की किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है जैसा उन्हें करना चाहिए, तब उनके फिल्टर्स कुछ एल्ब्यूमिन को यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एल्ब्यूमिन ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो कि हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रोटीन यूरिया क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में एक आम बात है। जब आपके यूरिन में प्रोटीन होता है तो इसे प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया कहा जाता है। आपके यूरिन में प्रोटीन होना नेफ्रोटिक सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। ये किडनी की बीमारी का स्टार्टिंग सिम्टम भी हो सकता है। प्रोटीन यूरिया के मेनली तीन कारण हो सकते हैं। पहला है डायबिटीज, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर और आखिरी है फैमिली हिस्ट्री इन किडनी डिजीज। मतलब अगर आपके परिवार में से किसी को पहले से किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो यह भी प्रोटीन यूरिया का एक रीजन हो सकता है। इन तीनों कारणों की वजह से आपको प्रोटीन यूरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोटीन यूरिया का एक कारण आपके बॉडी में प्रोटीन प्रोडक्शन इंक्रीज होना भी हो सकता है। जब आपकी किडनी खराब हो जाती है और ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है तो आपको यह लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि झागदार यूरिन आना, हाथ, पैरों, पेट और फेस पर सूजन होना। यदि आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपकी किडनी खराब हो सकती है और आपको प्रोटीन यूरिया की समस्या हो सकती है। अब हम आपको बताएंगे आप क्रोनिक किडनी डिजीज में प्रोटीन यूरिया को कैसे कंट्रोल या रोक सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहले आपको इन्हें कंट्रोल में लाना होगा। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो इसे कंट्रोल करने का मतलब होगा कि आप रेगुलर बेसिस पर शुगर टेस्ट करवाएं और डॉक्टर्स द्वारा दी गई दवाई जरूर लें, योगा करें और प्रॉपर डाइट का यूज करें। आप इसके लिए कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कर्मा आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर आपकी किडनी को पहले की तरह स्वस्थ किया जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कुछ दवा दे सकते हैं और आपकी किडनी को और अधिक नुकसान से बचा सकते हैं। ये मेडिसिन टाइप्स आपको हाई ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया से बचा सकते हैं। इन मेडिसिन्स में आप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर ले सकते हैं। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन है लेकिन आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप ACE इनहिबिटर्स और ARB ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी किडनी को और अधिक नुकसान से बचा सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन चुन रहे हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र को चूज कर सकते हैं। जो व्यक्ति प्रोटीन यूरिया से जूझ रहे हैं उन्हें अपने डाइट में भी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी डाइट आपके मेडिसिन्स को इम्पैक्टफुल बनाने में हेल्प करती है और बीमारी को कम करने के लिए हेल्प करती है। आपको अपने डाइट में कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे कि अधिक प्रोटीन का सेवन ना करें, सोडियम और नमक का सेवन सीमित करें, घर का बना खाना खाने की कोशिश करें, जैतून और नारियल के ऑयल में ही खाना तैयार करें, फ्रेश वेजिटेबल का ही सेवन करें। इसमें ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को ना लेने की सलाह दी जाती है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है।
तो ये थी क्रोनिक किडनी डिजीज में आप प्रोटीन यूरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। अगर आप या आपका अपना कोई किडनी की किसी बीमारी से जूझ रहा है तो आप हमारे कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क करने के लिए आप हमारा नंबर, ईमेल व केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अगर आप भी सेफ साइड पर आना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल और खाने की हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। साथ ही कर्मा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो अपनी अपॉइंटमेंट अभी फिक्स करें। आप हमें दिए जा रहे नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी रिसेंट रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारे ऑफिस डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली। स्टॉप किडनी डायलिसिस।